अखाड़ों का शाही स्नान शुरू हो गया है, आज पहला शाही स्नान है। अखाड़े पूरी तैयारी के साथ शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अखाड़ों की शुरुआत जो जुलूस निकलता है उसे सबसे पहले नागा होते हैं। नागा पूरी तरह से सज धज कर अपनी जो उनकी तैयारी है उस पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। माना ये जाता है उस अखाड़े की अगर हम ताकत की बात करें, उसकी शक्ति की बात करें, तो वो अखाड़े सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं जिनमें नागाओं की संख्या ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं कि ये पंचदशानन अखाड़ा है, पंचदशानन अखाड़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा नागा साधुओं की संख्या है। ये नागा साधु धीरे धीरे संगम के लिए जा रहे हैं। जब ये नागा साधु गुजर जाएंगे उसके बाद ये जूना अखाड़ा जो है, अखाड़ों के जो मंडलेश्वर होते हैं वो निकलते हैं और सबसे ऊपर जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं वो जाते हैं। अखाड़ों का जो वैभव होता है, अखाड़ों की जो अपनी हैसियत आंकी जाती है वो इन्हीं नागा साधुओं से आंकी जाती है। सबसे जितनी संख्या नागा साधुओं की जिस अखाड़े में होती है उससे माना जाता है कि इसकी ताकत सबसे ज़्यादा है। आज पहला शाही स्नान हुआ है। कुल 6 स्नान होते हैं जिसमें 3 शाही स्नान होते हैं। शाही स्नान का मतलब होता है कि उस दिन अखाड़े निकलते हैं और खास घाट पर ये स्नान करते हैं, वहाँ दूसरा कोई स्नान नहीं कर पाता।